हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के साथ ऐसे फैक्ट्स जो आप जानते तो होंगे, पर फिर से बता देता हूँ, नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, ए फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। यस, ए फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। आपको तो पता ही होगा कि एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इंडिया में है, और अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बता देता हूँ एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में। द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल झील के किनारे पर स्थित है। पहले इसका नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, फिर बाद में इसे द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहा जाने लगा। नंबर टू, कुंभ मेला, जो हम आउटर स्पेस से भी देख सकते हैं। हमारे कुंभ मेले के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो चलिए नहीं पता तो आगे बता देता हूँ। कुंभ मेले में जो लोग इकट्ठे होते हैं उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि कुंभ मेले में जितने लोग इकट्ठे होते हैं उसे हम आउटर स्पेस से भी देख सकते हैं। नंबर थ्री, द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। जो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड है वो भी हमारे इंडिया में ही है। चेल क्रिकेट ग्राउंड, ये दुनिया का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। इसकी ऊंचाई लगभग सी लेवल से 7,380 फीट ऊपर है। ये 1893 में बनाया गया था, एक रॉयल फैमिली ने बनवाया। आपको पता है शैम्पू जो है वो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, शैम्पू जो है उसकी इन्वेंशन भी इंडिया में ही हुई थी। शैम्पू वर्ड लिया गया है संस्कृत के एक वर्ड से जिसे कहते हैं चम्पू। इसे शैम्पू का वर्ड लिया गया है और इसे शैम्पू बनाया गया था इंडिया में सबसे पहले। नंबर फाइव, इंडियन डिलीशियस फूड। इंडियन डिलीशियस फूड के बारे में तो आपको मैं क्या बताऊं, इसके बारे में तो आपको पता ही है। ये देखिए, इंडियन फूड की तो बात ही अलग होती है। इंडिया का फूड बेस्ट है, राइट। नंबर सिक्स, कलरफुल सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। कलरफुल सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, फेस्टिवल की तो क्या बात करें। फेस्टिवल तो एक जाता है और साथ ही उसके पीछे पीछे दूसरा आ जाता है। चलिए आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। फेस्टिवल्स में जो मिठाइयाँ होती हैं, इंडिया के तो हर एक फेस्टिवल में मिठाइयाँ तो होती ही हैं, और मिठाइयों के बिना हमारा कोई फंक्शन पूरा भी नहीं होता। इसलिए मिठाइयाँ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है इंडियन फेस्टिवल्स के लिए। नंबर सेवन, इंडिया इज़ द फर्स्ट, यस द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली पुट द मार्स ऑर्बिट मिशन। इस मिशन को मॉन मिशन भी कहते हैं। इसके बारे में आपको चलिए आगे बता देते हैं। आपने मिशन मंगल तो देखी ही अभी, उसमें पूरी डिटेल से बताया गया है कि इंडिया ने कैसे अचीव किया था सबसे पहले मंगल। और एक बोनस फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं। इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द एरिया 22,87,590 square kilometers, एंड इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, 1.2 बिलियन पीपल्स।